हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष। बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक की, लद्दाख के रेंचो की, यानी थ्री इडियट्स पर जो कैरेक्टर लिखा गया था आमिर खान का, वो रियल किरदार सोनम वांगचुक, जो कि इस समय इन दिनों चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कैसे किया जाए इस बारे में सबको बता रहे हैं, पर्यावरणविद है, उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था। कैसा था, कब था, कहाँ था, ये सब बताऊंगी। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, सोनम वांगचुक जी की मैं बात करती हूँ तो मैं उनसे मिली हूँ रूबरू, मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया है। ये बात है 2019 अक्टूबर एंड और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर की। लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल के लिए मैं कवर करने के लिए गई थी और साथ ही में वहां पर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी भी घोषित किया गया था। ये उसी समय की बात है और मैं उसी दिन मिली थी जब यूनियन टेरिटरी की घोषणा की गई थी। मैं उनसे रिएक्शन लेने के लिए गई थी। तब उनके लिटरेचर फेस्टिवल्स में जो होते हैं आमतौर पे एक सेशन था और दो सेशन के बीच में लंच था, तो उन्होंने कहा प्लीज वेट फॉर द लंच, आई एम वेरी हंग्री। आई सेड ठीक है। और जैसे ही उनका लंच हुआ, बातचीत के दौरान वो अंदर जाने लगे एंड एकदम से उन्होंने देखा मुझे और ध्यान आया कि ओह आई एम ऑलरेडी लेट, तो हम फटाफट इंटरव्यू कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई एंड ही वॉज वेरी वेरी नाइस। एंड जब बात करते हैं हम जर्नलिस्ट, तो समझ में आ जाता है कि सामने वाले को कितना सीरियसली उस टॉपिक के बारे में वो कंसर्न है, ही इज अवेयर ऑफ इट। और मैं उसको एक बार फिर से कहने वाली कि उनको सब आता है, कोई नहीं हुई। वी वर टॉकिंग अबाउट कि अगर यूटी यानी यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बना दिया गया है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। ही वॉज वेरी वरिड कि लद्दाख की जो खूबसूरती है वो अभी तक अनटच्ड है, कहीं इसको बहुत ज्यादा कमर्शलाइज कर दिया गया बिकॉज बींग द यूनियन टेरिटरी, कहीं इसकी खूबसूरती खो ना जाए, यहाँ की वन संपदा, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो कल्चर है, ये कहीं उस पर प्रभाव ना पड़ जाए। तो ओवरऑल उनसे मेरी बातचीत बहुत अच्छी थी एंड इट वॉज रियली नाइस। वॉज वेरी कोऑपरेटिव, बिल्कुल कोई ऐसा ईगो या द एयर अराउंड दैट आई एम दिस, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। वो जब बोलते भी हैं तो ऐसा लगता है कि कितना सारा नॉलेज उनकी जुबान से बाहर आ रहा है। तो आपको चाइनीज प्रोडक्ट को सपोर्ट करना है नहीं करना है, पर एक बात तय है कि जिस शख्स की तरफ से, जिस शख्स की जुबान से ये बात आ रही है, आप उस पर 1000% यकीन कर सकते हैं। वो जो कह रहे हैं उन पर भरोसा किया जा सकता है, ही इज दैट नॉलेजेबल। फ्रेंड्स, आप फिल्मी खिचड़ी भी बना रही, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।